आपका स्वागत है गांगुली टेक पावर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जावा में आपको स्ट्रिंग कैसे बनाना है और स्ट्रिंग क्या होता है। तो स्ट्रिंग जो होता है वो आपका एक तरह का कैरेक्टर एरे होता है। कैरेक्टर एरे का मतलब ये है कि आप अगर कई कैरेक्टर्स को एक साथ ले या कई अल्फाबेट्स को एक साथ ले तो उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। जैसे कि एक टेक्स्ट आपका एक स्ट्रिंग होता है। अगर आपने सी में प्रोग्रामिंग करी है तो आपको कैरेक्टर के बारे में पता होगा। और कैरेक्टर का मतलब मैंने आपको बताया कि इंडिविजुअल अल्फाबेट। अगर आप कई सारे इंडिविजुअल अल्फाबेट को एक साथ लेते हो तो उसको स्ट्रिंग कहा जाता है। और जावा में जो स्ट्रिंग है ये अपने आप में एक क्लास है। और इस क्लास का जब भी आप स्ट्रिंग मतलब जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा तो ये अपने आप में एक क्लास है और ये आप इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं कि स्ट्रिंग डेटा टाइप है और ये आपका एक वेरिएबल है। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रिंग लिखना होता है। उसके बाद जो भी आप स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा वो लिखना है। उसके बाद अगर आप इसकी कोई वैल्यू सेट करना चाहते हो तो आपको इक्वल लिखना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, उसके अंदर आपको वो टेक्स्ट लिखना है जो आप इस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर संदीप लिख दिया। और इस तरीके से जब आप स्ट्रिंग बनाते इस तरीके से तो इसको कहा जाता है इम्प्लिसिट तरीका। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि एक्सप्लिसिट तरीका क्या होता है स्ट्रिंग बनाने का। उसके लिए आपको फिर से स्ट्रिंग लिखना है, उसका कोई वेरिएबल का नाम दे दीजिए, जैसे मैंने सिटी दे दिया, इक्वल टू, और यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करके मतलब जो स्ट्रिंग क्लास है इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करके आपको जो है वो वैल्यू बनानी होती है। तो मैंने न्यू लिखा, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे जो भी मैं टेक्स्ट इस जो आपका वेरिएबल इसके मैं स्टोर कराना चाहता हूँ मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे कानपुर लिख दिया। तो ये तरीका हो गया। अब अगर आप स्कैनर क्लास का यूज़ करके यूज़र से इस वेरिएबल पे इनपुट लेते तो वो भी एक्सप्लिसिट तरीके में आता है। तो अब ये समझते हैं कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो आपका तरीके ये दोनों स्ट्रिंग बनाने की इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक स्टेटमेंट का यूज़ किया। मैंने इसमें लिखा नेम अगर बराबर हो संदीप के, यहाँ मैंने संदीप लिखा तो मुझे यहाँ पर लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एल लिखना है। और उसके यहाँ पे मुझे मैं एक आउटपुट पर मैसेज दिखा दूंगा कि मैच फाउंड। और उसके बाद जो है मैंने फिर यहाँ पे एल्स लिखा और उसमें मैंने फिर से वो सिस्टम लिखा, फिर मैंने आउट लिखा और उसके बाद प्रिंट एल एन लिखा और उसमें लिख दिया मैच नॉट फाउंड। तो अब आप जो है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट तरीके में डिफरेंस देखिएगा। और मैं यहाँ पर ये लिख भी देता हूँ ऊपर जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इम्प्लिसिट ये इम्प्लिसिट तरीका है और ये आपका एक्सप्लिसिट तरीका है स्ट्रिंग बनाने का। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इम्प्लिसिट तरीके से स्ट्रिंग बनाई है, उसमें संदीप नाम का टेक्स्ट स्टोर कराया है और यहाँ पे मैंने कंडीशन में चेक किया कि अगर नेम संदीप के बराबर हो तो मुझे आउटपुट में दिखाना है मैच फाउंड, अगर ऐसा नहीं है तो आपको आउटपुट में दिखाना है कि मैच नॉट फाउंड। तो आप देखते हैं इसको, जब आप इसे रन करेंगे तो आप देखिए लिख के आ रहा है मैच फाउंड। यही मतलब जो है आपका इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में डिफरेंस होता है। अगर आप एक्सप्लिसिट का जो है स्ट्रिंग बनाते हैं उसमें अगर आप इस तरीके से इक्वल करके चेक करने की कोशिश करते हैं तो आपका जो है यहाँ पे आंसर मतलब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे मैंने आप इस वेरिएबल का नाम सिटी कर दिया और यहाँ पर मैंने इसका जो है कानपुर कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिटी जो स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया उसमें जो वैल्यू हमारी वो कानपुर है। तो अब हम ये चेक करें कि सिटी जो इक्वल टू कानपुर है तो ये तो सही है, लेकिन जब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है मैच नॉट फाउंड, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मैच फाउंड होना चाहिए क्योंकि हमने तो सही बनाया। तो इसमें करना क्या था, क्योंकि यहाँ पे आपने न्यू करके आपने जो कंस्ट्रक्टर कॉल करके अपने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो ऐसे केस में आपको स्ट्रिंग क्लास की जो हेल्पर मेथड्स है जो आपके मेथड फंक्शन है उनको यूज करना होता है। और ये मेथड और फंक्शन बिल्कुल सेम है जैसा आपने सी में स्ट्रिंग डॉट एच करके एक लाइब्रेरी देखी होगी। अगर आपने जो सी में प्रोग्रामिंग करा तो उसमें ऐसे आपका एस टी आर लेन था, एस टी आर कॉन्केट था, एस टी आर आपका सी पी वाई था स्ट्रिंग कॉपी का। तो सेम उसी तरह के यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास में कई हेल्पर फंक्शन है और अगर आप एक्सप्लिसिट तरीके से स्ट्रिंग बनाते हो तो आपको उन हेल्पर फंक्शन का यूज करके ऐसे कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने इम्प्लिसिट तरीके से बनाया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिटी इक्वल टू कानपुर जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ जबकि ऐसा होना चाहिए था। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है हमारे स्ट्रिंग क्लास के जो है वो मेथड्स जो है उनका यूज़ करेंगे। तो इनका यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको स्ट्रिंग का जो भी आपने वेरिएबल का नाम लिखा है वो लिखिए, डॉट लगाइए, उसके बाद आप देखेंगे एक्लिप्स आईडी में सबसे जो आपका ये बेनिफिट है कि आपको वो सारे मेथड्स दिखा देता है जो भी ये स्ट्रिंग क्लास में होते हैं।
तो स्ट्रिंग किसी चीज़ के बराबर है या नहीं इसको चेक करने के लिए आपको इक्वल्स का यूज़ करना पड़ता है, और इस इक्वल लिखिए फंक्शन आपको, और इसके अंदर आप वो स्ट्रिंग पास करिए जो आप इसके बराबर चेक करना चाहते हो। जैसे मैंने कानपुर लिख दिया, तो अगर ये सिटी में जाएगा और ये सिटी की जो वैल्यू है वो कानपुर है, तो ये चेक करेगा कि अगर ये फंक्शन में कानपुर पास करें तो ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये वैल्यू को लेगा जो सिटी की है, और ये जो वैल्यू अपने पास करी दोनों को मैच करेगा। अगर ये दोनों एग्जैक्टली सेम होते तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा ये फंक्शन, और जब यहाँ पे ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी तो ये जो इफ स्टेटमेंट है उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स वाला आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब हम लोग इसे रन करते हैं, तो हमने कंपाइल किया, अब देखिए आपका मैच फाउंड आ गया। तो याद रखिएगा, जब आप एक्सप्लिसिट तरीके से स्ट्रिंग बनाते हैं, मतलब आपने इस तरीके से बनाया या फिर स्कैनर क्लास का यूज करके यूजर से इनपुट लिया, तो उस केस में आपको इस तरीके से आपको कंडीशन चेक करनी है हेल्पर मेथड्स या मेथड्स का यूज करके, मतलब स्कैनर क्लास का, और अगर ऐसा नहीं हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज है, और भी कई हेल्पर मेथड्स होते हैं वो भी हम लोग देखते हैं, और हेल्पर मेथड का मतलब वही है कि आपका जो फंक्शन स्ट्रिंग क्लास का। अब मैं आपको कुछ फंक्शंस के बारे में दिखाता हूँ, बताता हूँ। सबसे पहले यह मैंने ले लिया प्रिंट, यहाँ से आपका प्रिंट एलन। तो सबसे पहले मैं आपको एक मेथड के बारे में बताता हूँ जिसके जरिए आप दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। देखिए, एक तो तरीका ये कि जैसे आपके पास ये स्ट्रिंग है, तो अगर आप इस स्ट्रिंग में और कुछ ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं, फिर आप डबल इनवर्टेड कॉमा ऊपर लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिख दीजिए, तो ये टेक्स्ट भी आपके इस स्ट्रिंग के साथ ऐड होके इसमें स्टोर हो जाएगा, और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इसे हम कंकैटिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर आप इसको स्कैनर ये स्ट्रिंग क्लास के जो फंक्शन है उनके जरिए परफॉर्म करना चाहते हो, तो उसके लिए आप वेरिएबल का नाम लिखिए, डॉट लगाइए, फिर आपको कनकैट लिखना होगा। कनकैट जैसे ही लिखेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा, और आपको इसमें जो वैल्यू पास करनी है वो स्ट्रिंग है जो आप इसमें ऐड करना चाहते हो, जो कि मैं यहाँ पे गांगुली है, तो मैंने यहाँ पे गांगुली ऐड कर दिया। अब मैं इसको आउटपुट में देखूंगा, तो यहाँ पे आप देखिए पूरा ये देखिए, पहले केवल संदीप था, अब इसमें गांगुली भी ऐड होके आ गया। अब मैं आपको एक और फंक्शन दिखाता हूँ, वो है कि अगर आपको लेंथ पता करनी, जैसे आपको ये स्ट्रिंग दी हुई है यहाँ पे नेम, और इसका अगर आप लेंथ पता करना चाहते हैं तो वही सेम आप वेरिएबल का नाम लिखिए, डॉट लगाइए, और उसके बाद आप यहाँ पे ये करिए एल ई लिखिए, कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाइए, और ये आपका आ गया। आप इसे रन करिए तो ये आपको बता देगा कि जो आपकी स्ट्रिंग है वो लेंथ क्या है, मतलब लेंथ का मतलब है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स या कितने अल्फाबेट्स हैं। अब एक और ऐसे कई फंक्शन है, इस तरीके और कई आपके फंक्शन है, जैसे कि एक है आपका कैरेक्टर एफ, ये इसमें ये होता है कि जैसे आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको एक इंटीजर वैल्यू पास करनी होती है, आप जैसे ये स्ट्रिंग है तो ये एक एरे है, और अगर आपने मेरा पहले वाले जो वीडियोस देखे उसमें मैंने आपको एरे के बारे में बताया, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो बेस एड्रेस, मतलब वो जो इंडेक्स वैल्यू होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, तो ये इसका जो इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, जीरो इसकी क्या होगी, वन इसकी, टू इसकी, फिर थ्री, फोर, फाइव, इस तरीके से होगा। तो अगर हमें ये पता करना है कि ये नेम हमारे पास स्ट्रिंग है इसके, मतलब ये एक इंडेक्स वैल्यू हम यहाँ देंगे, उस इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा कैरेक्टर है, तो उसके लिए कैर एट आपको करना है, और उसमें एक इंटीजर वैल्यू दे दी, जैसे मैंने वन दे दिया, वन का दे दिया। अब हम उसे रन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो वन पर जो कैरेक्टर मौजूद है वो है आपका ए। आप देख सकते हैं यहाँ जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो पे एस है और वन पे आपका ए है। इस तरीके से आपके कई और फंक्शंस है, मतलब, और उन सबको जो है वीडियो में कवर करना और जो है मतलब नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई सारे आपके फंक्शन है, और मैं आपसे कहूँगा कि आप इंटरनेट पे इन फंक्शंस को सर्च करें जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, और उन पे जो है आप वर्क करके देखें, और उससे जो है आपको और भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक और फंक्शन का मैंने यूज़ किया है, उसकी है टू अपर केस। अपर केस का मतलब क्या होता है, आपके पास जो भी स्ट्रिंग होता है उसको कैपिटल लेटर्स में चेंज कर देता है, और उसको यूज़ करने के तरीका, आप स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम लिखिए, डॉट लगाइए, टू अपर केस करिए, और आपका जो भी स्ट्रिंग है यहाँ पर संदीप देखिए सब कैपिटल लेटर में हो गया। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि स्ट्रिंग क्या है और उसका कैसे यूज़ करना है और इसमें क्या क्या किया जा सकता है। और ये आप देखिएगा कि जब हम लोग मेन फंक्शन में इस तरीके से लिखते हैं तो हम असल में एक स्ट्रिंग एरे बनाते हैं, ये भी आप एक चीज़ देख लीजिए। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।